आज हम आपको एक छोटा सा डेमो दिखाने वाले हैं। आज के दिनों में कोविड के वजह से आपने बहुत लोगों ने आपके घर पे काम करने वालों को छुट्टी दी होगी, लेकिन इससे एक बड़ी परेशानी आ जाती है कि घर की साफ सफाई कैसे रखी जाए और ज़्यादा करके पोछा कैसे मारा जाए। आपके सबके घर पे ऐसा एक लंबा एक मॉप तो होगा ही और जनरली बाल्टी भी होती है, लेकिन फिर भी पोछा मारने के लिए नीचे बैठ के कैसे पोछा मारा जाए, यहाँ पे जाके हम अटक जाते हैं। तो आज हम आपको एक आसान तरकीब बताने वाले हैं इसको कैसे करना है। तो आप इसके लिए एक ऐसा छोटा फटका ले सकते हैं। ये फटका जो है वो है 2 फुट लंबा और 1.5 फुट चौड़ा, सवा सवा फुट चौड़ा। इसको हमने बीच में एक होल बनाया हुआ है एग्जैक्ट सेंटर में। अब ये फटका जो है ये हम इस डंडी के साथ कैसे यूज करेंगे इसका एक डेमो देखेंगे। तो ये हमने बाल्टी में फिनाइल और पानी ऑलरेडी डाल के रखा हुआ है, इसमें अभी हम ये फटका डाल रहे हैं। इस पोछे को हम इस्तेमाल करने वाले हैं। अब ये जो गीला किया हुआ जो पोछा है वो होल में से हमने ये मॉडर्न मॉप जो होता है उसके ऊपर ऐसे डाल दिया। अब देखो ये अपना पोछा रेडी हो गया है साफ सफाई के लिए। अब देखो ये आसान तरीका जिससे आप ये इस तरह से पोछा मार सकते हैं। जनरली पोछा मारने के लिए आपको नीचे झुकना पड़ता है, आपकी कमर में दर्द हो जाती है, और ये सिर्फ कोविड के लिए ही नहीं, जनरली आपके घर की बाई जब काम पे छुट्टी पे जाती है गांव के लिए उस टाइम पे भी ये तकलीफ हम हमेशा ही यूज करते हैं। तो देखो कितने आसानी से पूरा का पूरा ये किचन साफ किया जा सकता है। अब मैं एक बहुत सही बात आपको बताता हूँ। ये जो वीडियो जो है और ये आइडिया जो है ये हमारे बगल के एक अंकल ने बनाया हुआ आइडिया है। अंकल की उम्र सिर्फ 73 ईयर्स है, 73 साल, और अभी ये जो आप वीडियो देख रहे हैं वो वीडियो पोचा भी वो अंकल खुद ही मार रहे हैं। उन्होंने मुझे बोला हुआ है कि उनका कहीं पे फेस नहीं दिखना चाहिए, इसलिए मैं उनका फेस नहीं दिखा सकता, लेकिन ये आइडिया हर कोई अपने घर पे बहुत आसानी से आज के दिनों में यूज कर सकता है। हमने पोछा कैसे लगाना, घर में पोछा कैसे मारना, उसका एक वीडियो अपलोड किया था इस साधन के उपयोग से और ऐसे वाले हॉल वाले छोटे टॉवेल से। तो ये वीडियो बहुत प्रचलित हो गया है। लोगों ने ये भी बताया कि हर एक के घर में आज की तारीख में ये वाइपर हाजिर नहीं है। तो उसके लिए मैंने थोड़े अल्टरनेटिव आपको मैं बताता हूँ। तो ये अल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, इसमें ये जाता है, इसी तरह जाता है। मकसद ये है कि इसको चौड़ा करके रखना है। और मैं आपको एक अल्टरनेटिव बताता हूँ। ऐसे वाले छोटे पाइप के टुकड़े कपड़ा सुखाने के लिए हर एक के घर में रहते हैं। मेरे पास एक पतला एक चौड़ा बांबू है, ये पतला बांबू इसमें डाला है, एक छोर इधर बांधा है, दूसरा छोर इधर बांधा है। ऐसा वाला बड़ा एक डोरी चाहिए, और बांधा नहीं है तो भी चलेगा। दोनों छोर हाथ में आप पकड़ के ऐसे खींच सकते हो, दोनों ये बाजू भी डोरी ये बाजू भी डोर ऐसा खींच सकते हो। मकसद ये है कि इसमें थोड़ा वजन चाहिए, वजन के हिसाब से वो डस्ट को पहले लूज करेगा, और पीछे जो कपड़ा आता है उसके साथ साथ वो फ्लोर के ऊपर चिपक के डस्ट को खींच लेता है अपने आप में। अगर ये पाइप नहीं है तो आप, ये लेडीज लोग का हथियार है, ये तो सबके घर में रहता है, धोखा कपड़ा धोने का। इसको डोरी बांध के, दूसरा छोर बांध के, इसमें छोटा कपड़ा रहेगा। अगर किसी के पास बड़ा धोखा है तो वो भी चलेगा, और वो भी नहीं है तो
सबके घर में हैंगर तो रहते हैं कपड़े डालने के लिए, हैंगर। ये हैंगर में भी आप ऐसे वाले, ऐसा वाला नहीं होगा तो एल्यूमिनियम का हैंगर में भी आप डाल के दोनों साइड में डोरी बांध के ऐसा इधर डोरी आप खींच सकते हो। थैंक यू।